बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप YouTube चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियां दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नतायज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं मुझे। हर तरह की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सजा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पर कैंसिल किया था, ये सोच करके पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके अपलोड कहीं और से करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, मैं और मेरे साथी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोस में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायवंड से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिज़िकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी, यानी जो जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल एस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फ़िलहाल। और मैं अपने मौके पर अभी भी कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाए मेरी गिरफ्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियोस अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है, पुलिस और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हर जगह पर हमें ढूंढते फिर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मैं हो सकता हूँ वहाँ पर सूंघा जा रहा है, वहाँ पर चेक किया जा रहा है, और अभी तक तो मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ़्तार हो गया हूँगा, और उसकी वजह ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेम्बर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज़ पहुँचती रहे, आपके ज़रिए से खबरें मिलती हैं, आपके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिहाजा इन्फॉर्मेशन के हुसूल के लिए आपका बोलते रहना ज़रूरी है।
और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। और इसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, तो प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे जिनका लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, चार साल से वापस आने का नाम नहीं ले रहा, उसके भाई की हुकूमत है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। और जहाँ तक गिरफ्तारी अवॉइड करने का मामला है, तो पिछली मर्तबा जब एयरपोर्ट से मुझे रोका गया तो मैंने खुद पूछा था FIA से कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे गिरफ्तार किया गया था और मैंने किसी किस्म की मुदामत नहीं की थी, बल्कि मैं बहुत कॉपरेट करके उनके साथ चला गया था, ये FIA वाले आपको गवाही देंगे। और इसके अलावा जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई तो उस पुलिस वाले ने भी जिसको मैंने गिरफ्तारी दी थी, हालांकि मेरे पास वहाँ पे ज़मानत मौजूद थी, अदालत ने मना किया हुआ था इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में, लेकिन मुझे वहाँ से गिरफ्तार किया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया वो पुलिस वाला आज भी गवाही देगा, उसने कहा था मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ी दलेरी से और मर्दानगी से आपने गिरफ्तारी दी, हमें डर था कि आप अपनी गाड़ी को लॉक कर लेंगे, मेरी गाड़ी जो है वो आर्मर्ड गाड़ी थी, अगर मैं उसको लॉक कर लेता तो फिर वो मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे, उनको इस बात का खदशा था और वहाँ पर रश लग जाता, लोग जमा हो जाते, एक तमाशा क्रिएट हो जाता, लेकिन मैंने निकल कर गिरफ्तारी दे दी थी उस वक्त भी। गिरफ्तारी का मसला नहीं है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दोबारा गिरफ्तार हो चुका हूँ, मेरा मौक़िफ़ जो कल था वही आज है, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकता हूँ, मेरे मुल्क का मसला है, मेरे मुल्क का मसला ये है कि मेरे मुल्क का फ़ैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे, 23 करोड़ लोगों का फ़ैसला बंद कमरों के अंदर बैठे हुए चंद दिमाग नहीं कर सकते, वो दिमाग कितने भी ज़हीन हों वो 23 करोड़ लोगों की इज्तमाही दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस के अंदर है। अब जितना अरसा भी मैं अंदर रहूँगा मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, और इसी आवाज़ को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो भी सिर्फ गिरफ्तारी अवॉइड करना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ बंद ना हो, और वो अपनी बात करते रहे। आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, DGISPR ने और DGISI ने, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम चाहते तो हम ना जाने देते, तो मैं नहीं जा पाया, इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं ट्रैवल करूं, और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, बोलना मेरा हक है, और मैंने आज तक कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला जिस पे ये कानूनी तौर पे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मैंने जो बात की कानून और आईन के दायरे के अंदर रह कर की है, मेरी बात किसी को पसंद आए किसी को ना आए, कल तक मेरी बात कुछ लोगों को सूट करती थी, आज कुछ और लोगों को सूट करती है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है, वो बड़े खुश है, हो सकता है कल मेरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट ना करे और वो मेरे से नाराज़ हो जाएं, ये चलता रहता है, लेकिन सहाफ़ियों को बोलने का हक रहना चाहिए। मैंने थोड़ा अरसा पहले एक तकरीर करते हुए भी यही कहा था कि ये आग आप सबके घर तक पहुँचेगी, मेरे घर तक पहुँची है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम दरबदर हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं मेरी फैमिली भी, और हालात यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा था जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। और याद रखिएगा मैं पाकिस्तान से 3 मरतबा पहले भी बाहर गया हूँ, अभी उमरा करके आया हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी फैमिली कह रही थी कि पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया, मैं दुबई गया था, मुझे सारी फैमिली कह रही थी पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया, मैं अक्टूबर में गया था, जब आपको याद होगा कि उस्मा बुखारी साहिबा ने और कुछ लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था, मुबशर लुकमान साहब मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था कि ये पाकिस्तान से बाहर क्यों भाग गया, तो मेरा 2 दिन का काम था, मैं वापस आ गया था, और मेरे वापस आने के बाद उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, मैं अभी भी कहीं भाग कर नहीं जा रहा, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं है, मैं इस मुल्क के बगैर रह ही नहीं सकता, वजह सिर्फ इतनी है कि मैं बोलना चाहता हूँ जैसे अरशद शरीफ बोलना चाहता था, जब तक जिंदा हूँ तब तक बोलूँगा, जब तक बाहर हूँ तब तक बोलूँगा, बाहर निकालेंगे फिर बोलूँगा, अब मुझे अंदर बंद कर दिया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो अगर ज़िंदगी दे और मुझे बाहर निकाले, आज़ादी दे, ताकि आप मेरी आवाज़ सुनते रहें, मेरी आवाज़ अगर आपने सुननी है तो ख़ास तौर पे मेरी माओ बहनों से और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें, मुश्किल वक्त है, ये भी कट जाएगा इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।